एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीपीयू कोर के बारे में कि क्या होता है सीपीयू की कोर, वो कोर जिसे हम बात करते हैं कि इसमें क्वाड कोर है या फिर इसमें ड्यूअल कोर है या फिर सिंगल कोर है, वो होता क्या है बात करेंगे इस वीडियो में। तो कोर से पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। हम सभी ने इसे देखा है, ये हमारे कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है, स्मार्टफोन में भी होता है और हम इसे उनका ब्रेन कहते हैं यानी दिमाग, यानी वो हमारे लिए चीजों को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट दे देता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन डिवाइसेस के लिए। और अगर इसकी इफिशियंसी के बारे में बात करें तो ये काफी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये सब सीपीयू के ऊपर ही डिपेंड होता है और कोई भी डिवाइस बिना सीपीयू के चल ही नहीं सकता, यानी बिना प्रोसेसर के नहीं चल सकता। अब बात करते हैं कोर के बारे में कि कोर आखिर होता क्या है। तो हम सभी ने सुना है जैसे एक सीपीयू है जिसमें एक सिंगल कोर है या फिर एक सीपीयू है जिसमें मल्टी कोर है, यानी उसमें एक कोर से ज्यादा कोर है, और जो मल्टी कोर सीपीयू होंगे वो काफी ज्यादा फास्ट काम करते हैं सिंगल कोर सीपीयू से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास एक सिंगल कोर सीपीयू है तो कैलकुलेशन कैसे करेगा, मुझे उसे कैलकुलेट करवाना है 2+2 और 4+4। अब ये वो कैलकुलेट कैसे करेगा, तो सिंगल कोर सीपीयू सबसे पहले कैलकुलेट करेगा 2+2 को, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको करेगा 4 के साथ, उसके आंसर को करेगा 4 के साथ और फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देगा। पर अगर आपके पास मल्टी कोर है, मान लीजिए आपके पास दो कोर वाला सीपीयू है, तो वो इस कैलकुलेशन को कैसे करेगा, वो पहले करेगा 2+2 को और उसी टाइम पे दूसरी कोर की मदद से करेगा 4+4 को, और जो उनका रिजल्ट आएगा फिर उनको ऐड कर देगा और आपको रिजल्ट दे देगा। यानी ये बिल्कुल साफ बात है, वो सिंगल कोर सीपीयू से काफी ज्यादा फास्ट होगा और रिलायबल भी होगा। तो कोर एक सीपीयू का पार्ट होता है, चाहे वो क्वाड कोर हो, सिंगल कोर हो, हेक्सा कोर हो, ऑक्टा कोर हो, कितनी भी कोर हो, वो एक सीपीयू के पार्ट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन लेते हैं, डेटा लेते हैं और उन्हें कैलकुलेट करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और आपको रिजल्ट दे देते हैं, वो होते हैं कोर। और आप सुनते ही होंगे जैसे इंटेल या फिर AMD जब अपने सीपीयूज को लॉन्च करते हैं तो कहते हैं इसमें क्वाड कोर है, इसमें 8 कोर है, इसमें 2 कोर है या फिर इसमें 6 कोर है। तो वो ज्यादा कोर वाले सीपीयू इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा कोर होंगी वो उतनी ही चीजों को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकेगा, काफी कम टाइम लगाएगा और काफी जल्दी रिजल्ट दे देगा। तो ये ही होती है सीपीयू के अंदर कोर्स। तो ज्यादा कोर होना काफी अच्छा होता है पर ये केस हमेशा ही ठीक नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक सीपीयू है जिसमें है 8 कोर हाइपर थ्रेडिंग के साथ और एक सीपीयू है जिसमें है 4 कोर यानी क्वाड कोर वाला सीपीयू, वो भी हाइपर थ्रेडिंग के साथ। अब इन दोनों सीपीयू में अगर आप गेम्स खेलते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो 8 कोर वाला सीपीयू है वो काफी ज्यादा FPS जनरेट कर देगा क्वाड कोर से, ये बिल्कुल गलत है। काफी सारे गेम होते हैं जो कोर के ऊपर बेस्ड नहीं होते, मोस्टली गेम को सिर्फ 4 ही कोर जरूरी होती है गेम्स खेलने के लिए। तो ऐसे में अगर उस गेम को सिर्फ 4 ही कोर चाहिए तो बेशक आपके सीपीयू में 8 कोर है या फिर 16 कोर है, वो उनको यूज करेगा ही नहीं क्योंकि उसको सिर्फ 4 कोर ही चाहिए अपना खुद का प्रोसेस करने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा कोर ही अच्छी होगी। हाँ, पर कुछ ऐसे गेम भी है जो कोर बेस्ड गेम होते हैं, जितनी ज्यादा कोर होगी आपका सीपीयू उतना ज्यादा अच्छा प्रोसेस करेगा और आप उतना ज्यादा अच्छे से उस गेम को खेल पाएंगे। कोर्स की बात करें तो कोर वहां काफी ज्यादा अच्छी काम आते हैं, जैसे अगर आप वीडियो रेंडर करते हैं या फिर अगर आप गेम स्ट्रीम करते हैं इंटरनेट पर या फिर अगर आप कंप्यूटर पर और भी कुछ ऐसे काम करते हैं एक टाइम पर, आप काफी ज्यादा काम करते हैं फोटोशॉप एडिटर वगैरह वगैरह, यानी आप इन जैसी चीजों पर काफी ज्यादा काम करते हैं एक टाइम पर, काफी ज्यादा एप्लीकेशन खोलते हैं, तो वहां काफी ज्यादा कोर एक एडवांटेज हो सकती है। तो ये होती है कोर और ये होता है इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये जरूरी नहीं है कि जितनी ज्यादा कोर होगी आपका सीपीयू हर एक चीज में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा एक कम कोर वाले सीपीयू से, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसे कितनी कोर चाहिए, वो कैसे काम करता है, उन सभी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। और गेमिंग की बात करें तो मॉडर्न गेमिंग यानी अभी के गेमिंग के लिए क्वाड कोर सीपीयू एक अच्छी चॉइस है। तो ये होती है सीपीयू कोर्स। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।